जिसका करती हूँ ना वही सुनाता है इन एंड। दिल है कि मानता नहीं, इतनी क्यूट लग रही है ना। शर्फी श्रीवल्ली, ये बैलेंस देख रहे हो? क्या बात है। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मम्मी और गिशी मनाली जा चुके हैं घूमी शूमी करने के लिए, तो पटियाला में यहाँ के क्या हाल चाल है वो आप मेरे ब्लॉग में देखिए, और जो मनाली के मौज मस्ती है वो आप देखिएगा गिशी के ब्लॉग में। तो पटियाला में अभी सुबह सुबह हो रही है यहाँ पे बारिश। अभी मैं ले जा रही हूँ सिजुका को घुमाने के लिए। घूमी करके आ गए हैं हम घर वापस, और अभी सिजुका को थायराइड की दवाई खिलानी है। बड़ी मुश्किल से दवाई खिलाई है बीस गुंडी को। ए चिजुका गुंडी, सिजुका की आई ड्रॉप। सिजुका को दवाई खिलाना, इसकी आंखों में आई ड्रॉप डालना, मतलब जंग जीतने वाला काम है, और मैंने सुबह सुबह जंग जीत ली है। अभी मैंने नहा धो लिया है, मैं तैयार हो गई हूँ। चलो अब चलते हैं मंदिर में, पूजा पाठ करके आते हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। हरिया जाओ हरिया जाओ, आकर के दर्श दिखा जाओ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। ये है हमारी तुलसी मैया, जय तुलसी मैया। बारिश आ रही है जबरदस्त। यहाँ पर अभी मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में धोने के लिए, काफी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। अभी मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ, गूंदने लगी हूँ आटा। 9 बजे पापा ने ड्यूटी जाना है, अभी आटा गूंद दिया है मैंने, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं खाना। ये आलू की सब्जी कल बनाई थी मम्मा ने, लेकिन ये आलू जो है ना मीठे आलू हैं। कुछ दिन पहले हमने पकोड़े बनाए थे शाम को बारिश में, वो पकोड़े भी मीठे बने थे क्योंकि आलू ही मीठे हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक मसाला ज़्यादा डालकर मैं इसी को फिल करके आलू के पराठे बना दूंगी। यहाँ पर मसाला मैश कर रखा है मैंने, पराठा बन रहा है, पराठा पक रहा है। वहाँ पर पिताजी बना रहे हैं चाय। गिरीश की वीडियो कॉल आई थी, अभी पहुँच चुके हैं वो लोग मनाली। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट और लगेंगे बस। गोपाल मुरलिया वाले और नंदलाल। यहाँ पर पिताजी कर रहे हैं भोजन। पापा ठीक लग रहे हैं पराठे? बहुत बढ़िया है बेटा, वाह। थैंक यू। गर्मा गर्म पराठा, अभी नानी जी खाना खा रही है। वाह अब्बा, ये चलो खाए, गिर ना जाए वो, इसको इसमें रख लो चाय। नानी माँ मलाई को पराई बोलती है। अच्छा पराठे कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं? बढ़िया लग रहा, ठीक लग रहा। दूध वाला आया, दूध वाला आया, दूध आ गया। यहाँ पर पराठे बन रहे हैं मेरे। अभी छिजुका का खाना, इसको ऐसे बच्चों की तरह बिल्कुल चूर चूर के छोटे छोटे पीसेस में फिर देनी पड़ती है रोटी। मेरे पराठे ठंडे ना हो जाए इसलिए मेरे तवे पे रखे हुए हैं। दूध को उबाल आने वाला है। ये नहीं खाएगी कभी ढंग से खाना, फैला फैला के खाएगी हमेशा। छिजू का कैसा लग रहा है खाना? देखो उबाल आया, उबाल नजर आया, आया आया आया। गैस बंद। हेलो, नमस्ते मम्मा। अच्छा पहुंच गए, चलो बधाई हो। मैं अभी खाना खाने बैठी हूँ। अच्छा। हाँ सबको खिला दिया, पापा मम्मी सीजू का सबको खिला दिया, बस सब खाऊंगी। ठंडे हो गए मेरे पराठे। अच्छा आलू के बनाए? हाँ वो जो सब्जी आपने बनाई थी मीठे आलू थे ना, वो फिर मैश करके मैंने तेज मसाला थोड़ा करके वो बना दिए। पापा जी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सिजुका ने खाना खा लिया है। यहाँ पर नानी बात कर रही है मम्मी से फोन पर। पापा जी की स्कूटी बाहर निकाल दी अभी मैंने, जाने का टाइम हो गया। पापा का ड्यूटी आ रहे हैं पापा अभी। भली के भैया, बाय बाय। खाना खाते खाते कितनी बार उठ चुकी हूँ मैं, चाय भी एकदम पानी बन चुकी है, पराठे तो पूछो मत।
यही होता है मेरे साथ, ससुराल में भी यही होता है मेरे साथ। तो ठीक है अभी खाते खाना। आधा पानी जा चुका है, कपड़े आधे नहीं पड़े हैं, अभी धोने हैं। वो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, आज हो क्या रहा है ये। एक काम पूरा नहीं हो रहा, दूसरा काम हो जा रहा है। एक तो ये है ना कि तीन बुजुर्ग ही है मेरे साथ, ये लगा लो पापा भी बुजुर्ग है, उनका भी सब करना है, नानी का भी करना है, सिजुका का भी करना है, तो थोड़ी ज्यादा आफत आ रही है। कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनेज। और तेरी बहन किससे कम है, और तेरी बहन में भी दम है। अभी आधे अधूरे से कपड़े धुले हैं और ताजा पानी जा चुका है, बधाई हो। अब मैं वेट करूंगी 12 बजने का, जब 12 बजेंगे उसके बाद कपड़े धोए जाएंगे, तब तक हम अपने बाल वगैरह छटका लेते हैं। एक तो आज काम वैसे ही इतना बड़ा हुआ है, ऊपर से हमारी जो साफ सफाई वाली बहन जी हैं वो भी आज नहीं आई हैं। इस हफ्ते हफ्ते की बात कर रही हूँ, तीसरी छुट्टी है इस हफ्ते में, हमें जब खुद ही काम करना पड़ रहा है तो फिर फायदा क्या लगाएगा। ऊपर से इन्फॉर्म भी नहीं करती हैं कि मैं नहीं आ रही हूँ, मतलब दिमाग ना बंड हो चुका है, ऐसे कैसे चलेगा बहन जी। फिलहाल सुबह का काम तो निपट चुका है, दोपहर का अभी टाइम पड़ा है काम करने में, अभी कपड़े धोने हैं, दोपहर का खाना बनाना है, क्या बनाना है अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं। तब तक मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। अभी नानी माँ और मैं देख रहे हैं किशी का व्लॉग। स्टार्टिंग तो बड़ी जबरदस्त हो रखी है इस व्लॉग की, देखते हैं आगे आगे क्या होने वाला है। जस्ट अभी मैंने गिरीश का व्लॉग देखा और मेरा दिमाग इतना खराब हो गया ना उसका व्लॉग देखने के बाद। पूरे व्लॉग में मतलब उसने मुझे इतना नेगेटिव दिखाया कि आरती ये कर रही है, आरती वो कर रही है। पापा के सामने जो बातें हो रही थी वो सिर्फ एक मजाक था, वो पापा भी जानते हैं, आप लोग वीडियो देख रहे थे, व्लॉग देख रहे थे, आपको भी पता लग ही गया होगा कि वो जस्ट एक मजाक चल रहा था, उसके अलावा और कुछ नहीं। और जो सुबह मैं रो रही थी वो इस चीज़ को लेकर रत्ती भर भी नहीं था कि मम्मी जा रही है मैं इसलिए रो रही हूँ, मैं रो रही थी अपनी किस्मत को लेकर। मेरी मैं पूरी रात नहीं सोई थी, आपने कल का व्लॉग देखा होगा, उसमें मेरी सुबह आपने मेरी आँखें देखी होंगी, अभी मेरी आँखें आपको बता रही होंगी कि मैं कितना रोई हूँ। मेरी और कुछू की लड़ाई हो रही थी। वैसे तो मतलब हम लोग आपस में काफ़ी सही तरीके से रहते हैं, लेकिन कुछू की कुछ हैबिट्स हैं जो मुझे नहीं पसंद, उसके चलते मेरी लड़ाई हो रही थी कुछू से, इसलिए मैं रो रही थी सुबह। और जहाँ तक ये बात है मम्मी के बाहर घूमने जाने की, मैं तो खुद मम्मी को कितनी बार ज़्यादा स्कूटी पे मैं मम्मी को नलास लेके गई थी, अमृतसर लेके गई थी गोल्डन टेम्पल दिखाने के लिए, मतलब मुझे ये होता था मैं अकेली लेके गई थी मम्मी को, यहाँ से मैं मैंगलोर लेके गई थी बड़े भैया के पास ट्रेन में, तीन दिन का सफ़र करके। अगर मेरे मन में ऐसा कुछ होता तो मैं मम्मी को खुद, मैंने कल मम्मी की पैकिंग करवाई है, उनको अपने कपड़े तक दिए कि मम्मी ले जाओ, अपना पर्स दिया है मैंने मम्मी को। मैं पागल हूँ यार, मतलब यहाँ पर मैं हूँ, मैं घर संभाल रही हूँ, मेरा दिमाग पागल है मैं जो यहाँ पे हूँ। ससुराल में हो तो ससुराल संभालो, मायके में हो तो मायका संभालो, मैं कहाँ हूँ। ऊपर से लोगों के कमेंट आ रहे नीचे, आरती दीदी गलत है, आरती दीदी गलत है, आरती दीदी ने क्या कर दिया भाई। इन दंड बात ये है ना, आरती दीदी कितना भी कर ले किसी का भी, आरती दीदी बुरी ही रहेगी, क्योंकि आरती दीदी के माथे के ऊपर लिखा हुआ है कि आरती पागल है, जिसका करती हूँ ना वही सुनाता है इन दंड। सॉरी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कुछ चीज़ को लेके, आप लोगों को पता ही है मैं ऐसी ही हूँ, बहुत रोंदड़ू हूँ मैं। बुरा लगता है यार जब आप किसी का करो और उसके बाद अगला ऐसे बोल दे कि तूने किया ही क्या या तू करती क्या, ऊपर से तुम्हें नेगेटिव वे में दिखाया जाए तो बहुत बुरा लगता है, वो भी अगर खुद के ही घर वाले ऐसा करें, हम दूसरों को किसी को क्या कहें। पापा जी भी ड्यूटी से घर वापस आ गए हैं, मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ कि मैंने कुछ खाना पीना भी नहीं बनाया, और जो कपड़े पड़े हैं मशीन में धोने के लिए वो ऐसे ही पड़े हैं, ताज़ा पानी आकर चला भी गया। गिरीश का व्लॉग देख के दिमाग ही ख़राब हो गया मेरा, तब से रोने में ही हूँ, कब से रोने में ही हूँ। फिर अब मैं सिजुका को घुमाने के लिए बाहर लेकर आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा मेरा मूड भी चेंज होगा, थोड़ा इसको भी घुमा लाती हूँ, अब घर वापस जाकर फिर लगूँगी काम पे। मूड बड़ा ख़राब हो गया आज मेरा सच में, मुझे लगा कि मुझे अपना पॉइंट रखना चाहिए आप सबके सामने, जब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उस तरीके से कहा ही नहीं था, मैं अपनी माँ की खुशी से ज़्यादा मुझे कुछ और थोड़ा ना प्यारा है। बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी, मज़ा आ रहा है।
ये सिजुकार ने और दिमाग खराब कर रखा, ना सुसु करती है ना पोटी करती है, 10 मिनट खड़ी रही, मैं कुछ नहीं करा। इसने मम्मी का 2-3 बार फोन आ गया, 2-3 बार गिशी का फोन आ गया, मैंने फोन ही नहीं उठाया, मेरा मन ही नहीं कर रहा बात करने का। ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है, अपने घर वालों की खुद ही बेइज्जती कराई जा रहा है ब्लॉग में। ऊपर से मेरे ससुराल वालों को तो और भी मौका मिल जाएगा बोलने का। ये देखिए कल्लो आई मिलने के लिए, कितने दिन बाद आई कल्लो, कितने दिन बाद आई। सिजुका को भी घुमाकर ला रही हूँ मैं, कल्लो आई है मिलने के लिए। ओमेली कल्लो कल्लो, ओमेला क्यूट बेटा। सिजुका के लिए तो सुबह मैंने एक्स्ट्रा रोटी बनाकर रखी हुई थी, कैसे खा लिया मुँह तू, गर्मा गर्म चाय और रस शाम के 4 बजे। आमो उठो, रुको लाइट ऑन करती हूँ। अभी चाय और रस नानी माँ और पापा को खिला पिला कर आई हूँ, दाल उबाल दी है, घर जाके बस तड़का लगाना है दाल में। अभी पापा ने कुछ सामान मंगाया, उनके लिए सामान लेने के लिए जा रही हूँ शॉप पे। ये देखिए मैं अभी घर वापस आई हूँ और पिताजी ने यहाँ पर तड़का लगाना भी स्टार्ट कर दिया दाल को। क्या बात है, क्या बात है। अभी कपड़े भी मशीन में ऐसे ही पड़े हैं, वो भी अभी नहीं धोए। पापा लगे हुए हैं रसोई में दाल बनाने के लिए, कह रहे तो अपना काम कर ले कोई बात नहीं। ऐसे डैडी मिलेंगे कहा, ये देखो अम्मा पड़ी है आराम से रजाई में, ऐसी नानी मिलेगी कहा। नानी मेरे को गुस्सा करी आ रही है, इतना रोती क्यों है, इतना रोती क्यों है। नानी बेचारी परेशान होगी मेरे से। चलो कोई बात नहीं, अब रोना धोना नहीं, अब चिल आउट करना है, अब फटाफट से काम निपटाते हैं। 7 बजे व्लॉग डालना है, अभी बज चुके हैं 4:30। थोड़ी देर में पापा ने ड्यूटी जाना है तो उनके लिए रोटी बना रही हूँ, सब अभी खा लेंगे, नानी माँ भी अभी खा लेंगी, तो रोटी बना देते हैं। आज पूरा दिन ना ऐसे हंगामे में ही निकल गया, सच में कुछ नहीं हो पाया आज ढंग का ना। चलो कोई बात नहीं, कोई दिन ऐसा भी होना चाहिए। होप सो मम्मी और गिशी वहाँ पे इंजॉय कर रहे होंगे खूब सारी, बाकी उनका व्लॉग तो आ ही जाएगा, जब व्लॉग आएगा तब देखेंगे। पता है जब वो इंसान होता है, फैमिली तो अपनी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, जो भी इन देंड हम है एक ही है ना, लेकिन बुरा लगता है थोड़ा ना कि जब जिन्हें हम अपना कहते हैं ना वही नहीं समझते, तो बुरा लगता है। हेलो, अभी पापा गुच्चू से बात कर रहे हैं, गुच्चू का फोन आया है, होप सो गुच्चू कल आ जाएंगे, बाकी पता नहीं देखो क्या होता है, जो भी होगा आपको व्लॉग में पता तो लग ही जाएगा। अभी नानी माँ जी खाना खा रही है, यहाँ पर पिताजी खाना खा रहे हैं। नानी आपको दाल कैसे लग रही है, आपकी जमाई ने बनाई है? बढ़िया 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 रही। देखा जमाई के हाथ का खाना बहुत बढ़िया। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। मैं हमेशा मम्मी को बोलती हूँ मेरे खुद के हाथ से भी टीका टेढ़ा ही लगा है, पता नहीं क्या चक्कर है। बाकी नानी और पापा के तो सही लगाया मैंने, पापा भी तैयार हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए, नानी जी बैठी हैं यहाँ पर, पापा देख रहे हैं आसमान की तरफ बारिश पड़ने वाली है या नहीं। हाँ, अभी फाइनली कपड़े गोल गोल घूम कर सूख रहे हैं मशीन के अंदर। अभी सिजुका नींद पूरी करके आ गई है अपनी, अब खाना खा रही है, प्लेट में नहीं खाती, देखो कसल बेड़ लबेड़ के नीचे खाती है, मुंह देखो मुंह। अभी रात के तकरीबन 9:30 हो चुके हैं, 9:30 में 5 मिनट बाकी हैं। एक बार फिर से रोटी ठंडी, दाल ठंडी, गर्म नहीं करी मैंने खुद के लिए, मेरे से कुछ नहीं कर होता। एक सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, रो रो के आज बहुत ज़्यादा रो लिया हद से ज़्यादा, तो सर अभी इतना भारी हो रहा है ना, सच बता रही हूँ अगर मम्मी घर में होते ना मैं कुछ नहीं करती। इतनी गंदी कंडीशन हो रही है, तो अब रोटी खाती हूँ उसके बाद रेस्ट करूँगी। आज मैंने व्लॉग भी नहीं अपलोड किया, मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी जो
उसमें मैंने कहा था कि शाम को 7 बजे मैं ब्लॉग अपलोड करूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। आप देख ही रहे हो सुबह से क्या कुछ चल रहा है। रोने धोने के अलावा तो खैर कुछ खास मैंने आज किया नहीं, बाकी घर के काम है। टाइम भी नहीं मिल पाया मुझे ब्लॉग एडिट करने का, फिर हिम्मत ही नहीं हुई, सिर इतना दर्द हो रहा था। फिर मेरा कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी सही, अब कल डालूंगी सुबह 10 बजे मैं वो वाला ब्लॉग जो मैंने आज डालना था 7 बजे। अभी मैं खाने लगी हूँ खाना, अगर आप में से किसी ने आना है तो आ जाइए। काफ़ी टाइम बाद पापा के हाथ की दाल खाने को मिलेगी आज। सच में पापा बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। अभी बारी है सिजुका को मेडिसिन देने की। ये दो जनों में नहीं संभलती अकेले, मुझे नहीं पता मैं कैसे पिलाऊंगी। नीचे घुसी जा रही है, बेड के नीचे घुस के बैठी हुई है। कहाँ ये देखो चीचू बाहर आ जा, परेशान मत कर बेटा बुआ को, आ जा। दवाई टेस्टी नहीं लगी काके नू बड़ी मुश्किल से दवाई पिलाई है अभी इसको कुछ नहीं लड़ रही थी चीजों का मेरे साथ। ये देखो नानी ने एक नींद पूरी कर ली। नानी माँ और खुद के लिए बोन मीठा वाला दूध। नानी माँ उठो, उठ गई मनी, रोने चला उड़ने जा गए। मम्मा मैं सीओ, नानी माँ और मैं बोन मीठा वाला दूध पी रहे हैं, आ जाओ खाने वाले आओ। रोज मम्मी देती है हमें बिस्तर में बोन मीठा वाला दूध बना के, आज हम दोनों आरती लागे ऐसे पी रहे हैं। आओ चेस नानी, चेस टाटा। आहा मुंह कटू आ रहा हूं टाटा। हाय नींद आ रहे हो बोले टाटा। या आज दूध का वो खाना ले आयो, तो जिसे हमने कहा आज खाना भाग गया आयो। आज खाना भाग गया मुंह लाल हो रहा ठंडे जो जो। अभी नानी माँ और मैंने गीशी और मम्मी से बात की। मैंने सोचा था मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, फोन भी उनका कितनी बार आया, मैंने फोन भी नहीं उठाया। लेकिन फिर भी इन द एंड दिल है कि मानता नहीं, गीशी बेवकूफ इंसान पगले तू मेरा भाई है। यही होता है फैमिली का, जितना मर्जी लड़ झगड़ लो कुछ भी कर लो, इन द एंड हम एक ही हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही खून है, फिर एक ही हो जाते हैं। लेकिन गुस्सा आता है यार, जो बात जेन्युइन हो ना वो फिर गुस्सा आता है। और मैं तो ऐसी हूँ कि हाँ जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, कोई बात नहीं चलता रहता है, यही जिंदगी है। चलती का नाम गाड़ी। ये देखो मेरी क्यूट सी मम्मी। अभी नानी को दिखा रही हूँ मैं मम्मी की पिक, तो ये देखो कितनी क्यूट लग रही है ना। आय मेरी परम 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 सुंदरी। मैं कितनी बार देख चुकी हूँ इस पिक को, कितनी बार देख चुकी हूँ, एक रील भी डाली है किसी ने इंस्टा पे, बहुत प्यारी लग रही है मम्मी सच में। घुरी जाल नानी, घुरी जाल फॉरवटी, घुरी जाल। हम पहाड़ी होते हैं, हम गिरते नहीं, हम घुरी जाते हैं। ओए नानी ने टिका लिया बैलेंस, देख रहे हो क्या बात है। ये गुंडी सिजुका को देख लो, दो बार छोड़कर आ चुकी हूँ मैं, दोबारा फिर अंदर आ जा रही है, फिर अंदर आ जा रही है। क्या हुआ चिजुका, आप अपने घर में क्यों नहीं सो रही हो, आपको दादी की याद आ रही है क्या है चिजू। ये देखो सिजुका का घर ना, मैं अंदर ही ले आई, जा ही नहीं रही है बाहर। देखो बैठ गई आराम से अंदर, देखो पता नहीं इसको अकेलापन महसूस होता है वहां पे, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो बैठ जाए आराम से, यहीं सो जाए। चो जा बेटा चो जा, गुड नाइट। रात के 12:30 बज चुके हैं, पिताजी आ गए हैं ड्यूटी से घर वापस। हाँ रहने दो, यही रहने दो। अभी पिताजी के लिए मैं गर्म कर रही हूँ दूध में शक्कर। बस अभी रात के तकरीबन 1 बजने वाले हैं, पिताजी आ चुके हैं ड्यूटी से, और बस कुछ इस तरीके से बीता आज का दिन। काफ़ी रोना धोना रहा लेकिन इन द एंड सब कुछ ओके भी हो गया। यही होती है फैमिली, चलता ही रहता है, हंसना खेलना रोना धोना, यही परिवार है, यही प्यार है। तो ठीक है गाइज, आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। या ये
आहा।